मेरे नज पम्मट कण वेर मुनि सिखा पदिंग समाधियामी तुरा मेरे नज पम्मट कण वेर मुनि सिखा पदिंग समाधियामी तुरा मेरे नाम में क्या धरा है, या कहें नाम में क्या रखा है, या नाम से क्या मिलता है। ये जो वाक्य है ये बहुत छोटा सा है, मगर ये बहुत पावरफुल और बहुत शक्तिशाली वाक्य है, सेंटेंस है। नाम में सब कुछ धरा है, नाम में सब कुछ रखा है, नाम सब कुछ होता है। अगर नाम आप जानते हैं तो नाम सबसे ज्यादा कामयाब और सबसे ज्यादा ऐतिहासिक चीज होती है किसी चीज को जानने के लिए। आप अगर भारत का इतिहास देखेंगे तो गोंड से शुरू होता है, गौ से शुरू होता है। गोंड का मतलब है जब लैंड पूरी एक थी उस समय इसको गोंड वाला लैंड बोला करते थे। ये भारत का पुराना नाम है गोंड वाला लैंड। गौ से यहाँ जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो गौतम बुद्ध है, चाहे वो गौ से जितनी भी आती हैं, वो गौतम से संबंधित होती हैं। नाम अगर देखेंगे तो जितने भी आक्रामक लोग आते हैं, जो आक्रमण करते हैं, वो पहचान मिटाने के लिए सबसे पहले नाम बदलते हैं। शहरों के नाम बदलते हैं, अपने नाम बदलते हैं, अपनी चीजों के नाम बदलते हैं, वस्तुओं के नाम बदलते हैं, वार्तालाप है उसके नाम बदलते हैं, और यहां तक कि भाषा भी बदल देते हैं। अगर नाम में कुछ नहीं रखा है तो नाम बदले क्यों जाते हैं। आज भी जो भी सरकारें आती हैं वो सब सबसे पहले शहरों के नाम बदलती हैं, योजनाओं के नाम बदलती हैं। अगर योजना से वही फायदा होना है तो नाम क्यों बदला जाता है, क्योंकि नाम सब कुछ होता है। नाम के अंदर एक इतिहास और नाम के अंदर एक सत्ता छुपी होती है, प्रभु सत्ता छुपी होती है, सॉवरेनिटी छुपी होती है। कैसे? गोंडवाना के बाद में जो सबसे पहला इतिहास मिलता है उसमें भारत के, बृहद भारत के, ईरान से लेके और बर्मा तक के 16 जनपद या 16 स्टेट या 16 राज्य, 16 जिले मिलते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेतीय, वंश, कुरु, पंचाल, मच्छ, सूरसेन, अशक, अवत्ती, गंधार और कंबोज। ये 16 जनपद, 16 प्रदेश रहे हैं जिनमें पूरा भारत बटा हुआ था। आज के समय में ये पुराने नाम आपको कहीं नहीं दिखाई देते। कुछ अगर दिखाई देते हैं तो जैसे कुरु था तो उसका कुरुक्षेत्र बनाने की कोशिश की गई है, और जैसे काशी है तो उसको काशी कहा गया है, या अवंती है तो उसको मध्य प्रदेश या उज्जैन वाला हिस्सा बोला जाता है, जो गंधार है उसे कंधार करके बोला जाता है। ऐसे ही सारे नाम धीरे धीरे बदले गए हैं। स्टेटों के नाम बदलना आसान है। देश का नाम भारत प्राचीन समय में नहीं था, देश का नाम भी बदलते बदलते इंडिया हो गया, भारत हो गया, बहुत सारे नाम इसके पड़े। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शहरों के नाम बदलना आसान है, मगर कस्बों के और गांवों के नाम नहीं बदलते। कस्बे और गांव क्योंकि लाखों की संख्या में, लगभग 6.5 लाख गांव भारत के अंदर हैं, अगर बृहद भारत में तो 10 लाख गांव रहे होंगे, तो इनके नाम बदलना आसान नहीं है, क्योंकि इनके लोग पुरानी चीजों से, पुराने नामों से, पुराने शब्दों से जुड़े रहते हैं। भारत के लोगों के अगर नाम देखेंगे तो 70 साल पुराने जो नाम है उनमें जाति नहीं मिलेगी आपको पीछे लगी हुई। और 70 साल से पुराने जो नाम है, जो पुराणों में या जो कहानियों में, जो बुद्ध के साहित्य में, इतिहास के अंदर है, उसमें आप देखेंगे तो उसमें सिंगल नाम गुणों के आधार पर होते हैं, गुणवाचक नाम होते हैं, जातिवाचक नहीं। इसका मतलब जातियां नहीं थी उस समय। जाति अभी 70-80 साल, 100 साल, 200 साल से लगभग आनी शुरू हुई है। लोगों ने जाति का नाम, जाति की पूंछ लगानी शुरू की, जाति पर गर्व करना शुरू किया और जाति पर हीन भावना भी दर्शानी शुरू की। तो जातिगत नाम अभी की पैदाइश है। पहलों के नाम में आप अगर अपने दादा का नाम देखेंगे या परदादा का देखेंगे या दादी का देखेंगे तो आपको गुणवाचक नाम मिलेगा। इसलिए नाम की महिमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नाम सारे रहस्य खोल देता है। जो गांव के अंदर जो भाषा चलती है वो पक्की भाषा है, प्राकृतिक भाषा है। उसके जो नाम है, जो गली मोहल्लों के नाम है, जो बिल्डिंगों के नाम है, जो चीजों के नाम है, जो वस्तुओं के नाम है, वो सारे नाम पुराने पाली पक्की के हैं, वो नहीं बदले गए हैं। वो थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, अपभ्रंश हो गया है जिनका, बोलने में थोड़ा भ्रम हो जाता है, जैसे भमर का भवर हो गया, ऐसे बोलने में थोड़े से अंतर हो सकता है, मगर वो नाम वही के वही हैं। भाषाविद, भाषा विज्ञानी, जो भाषा का साइंटिस्ट है, जो भाषा को जानता है, वो सब खोज लेता है, सब बता देता है कि ये नाम कैसे बदला, कैसे नहीं। कुछ लिखा हुआ मिल जाता है, कुछ चिन्ह मिल जाते हैं, कुछ बोलियां मिल जाती हैं, कुछ लोकगीत मिल जाते हैं।
जो भी शासक आता है वो सबसे पहले अपनी भाषा बदलता है। अगर मुगल आए तो उन्होंने अरबी लेके आए साथ में, अरबी और पाली भाषा मिलके उर्दू बननी शुरू हो गई। जो अंग्रेज आए वो इंग्लिश लेके आए, उन्होंने अपना कामकाज सारा इंग्लिश में किया। जो बाहर से वमण लोग आए वो अपना अगवेस्टा लेके आए, उन्होंने वहाँ की जो भाषा थी उसको यहाँ से शब्द लिए, उसमें आधा रे शय ऐसे शब्द जोड़ने शुरू किए और उसको संस्कृत भाषा बनाया। और जो ओरिजिनल भाषा थी यहाँ की पक्ती भाषा थी, पक्ती भाषा सब में फैल गई और वो अपभ्रंश के कारण अलग 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 तरह से बढ़ती चली गई। जो हिस्सा जहाँ डेवलप हुआ वो वहाँ प्रमुख होता चला गया। इस तरह से क्योंकि शासक जितने भी होते हैं अगर वो भाषा नहीं बदलेंगे तो राजकाज जो करते हैं उसे आम आदमी को पता चल जाता है। आज भी भारत के अंदर इंग्लिश भाषा में सारा काम होता है, यहाँ तक कि जो हमारा न्यायालय है वो भी इंग्लिश भाषा में ही एक्सेप्ट करता है, जो बड़ा न्यायालय है। और इंग्लिश भाषा में गांव का आदमी चूंकि वो हिंदी जानता है वो समझ नहीं पाता। अपने देश के अंदर भी आज भी वो भाषा के क्षेत्र में गुलामी का एहसास करता है। जो लिटरेचर है, जो अखबार प्रमुख हैं, वो सारे के सारे इंग्लिश में आते हैं। हिंदी को हे दृष्टि से देखा जाता है। हिंदी पढ़ने वालों को आपने फिल्में देखी होंगी, जब कभी किसी दो स्कूलों का कंपटीशन होता है तो जो उसमें पब्लिक स्कूल होता है उसका जो देसी स्कूल होता है उसमें हिंदी बोलने वाले की बेइज्जती की जाती है। जो आपने देखा होगा जो जीता वो सिकंदर में, उसमें दो स्कूल दिखाए गए हैं पिक्चर के अंदर। तो सारे व्यवहार के अंदर भी जो हिंदी बोलता है उस पर अंग्रेजी भारी पड़ती है और अंग्रेजी बोलने वाले को प्राथमिकता दी जाती है, उसको ज़्यादा इज्जत दी जाती है, उसको ज़्यादा मान सम्मान देते हैं। जो इंग्लिश जानता है उसको सैलरी भी ज़्यादा मिलती है। सरकारों के अधिकतर काम जितने भी हैं वो इंग्लिश में होते हैं, अच्छा साहित्य इंग्लिश में है। और जो बड़ी पढ़ाइयाँ हैं, जो हायर एजुकेशन है, जो उच्च डिग्रियाँ हैं, जो उच्च पढ़ाई है, वो सारी की सारी इंग्लिश में ही होती हैं। इंटरनेट पर भी या जो कंप्यूटर है भाषा उसकी भी इंग्लिश ही है। इंग्लिश पूरी तरह से पूरे देश पे काबिज है और हिंदी पिछड़ी हुई कोने में दुबकी हुई रहती है, जबकि बोलचाल की भाषा में जो पक्ती भाषा है, पक्ती भाषा प्राकृतिक भाषा, उसी को हिंदी बोला जाता है। इसलिए जो रूलर होता है, जो शासक होता है, जो कमांड करता है, वो अपनी भाषा अपनी बदल के रखता है, कोड बना देते हैं। सेनाएं भी जगह जगह हजारों कोड भाषा अलग बनाती है ताकि दुश्मन को उसकी भाषा का पता ना चले। इसलिए नाम में बहुत कुछ रखा हुआ है। नाम के बारे में आप सोचना शुरू कीजिए, आपका क्या नाम है, इसका क्या मतलब है। यही मत रुक जाइए, पाली को खोदिए, पाली की डिक्शनरी लीजिए, पाली की किताब लीजिए, पाली से जानिए, क्योंकि पाली ही आपको बता सकती है कि असली नाम कौन सा था, भारत में अपने आप बना हुआ क्या नाम था, कैसे था। पाली जानेंगे तो अपने नाम का इतिहास पहचान पाएंगे, एक एक चीज का इतिहास आपको मिलेगा तो आपको थोड़ी सा अच्छा लगेगा कि आपकी जानकारी बड़ी। धन्यवाद। 322 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री है। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर 322 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदल कर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है।
यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Thank you.